तपस्वी जी छावनी के महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य जी ने भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया और अपने दिए बयान में जगतगुरु परमहंस आचार्य जी ने कहा कि पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट तपस्वी जी की छावनी अयोध्या का है, जिसको कुछ कुछ दबंग और आपराधिक किस्म के भू माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस मामले में न्यायालय में मुकदमा दर्ज है। वहीं दूसरी ओर भू माफियाओं ने पैसे और पहुँच का फायदा उठाकर दिनांक 26 जुलाई को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट से शिलान्यास कराने वाले थे, जिसकी जानकारी होते ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया, जिसकी जानकारी होते ही उप मुख्यमंत्री ने शिलान्यास कार्यक्रम को स्थगित कर दिया, जिसके लिए आचार्य पीठ तपस्वी जी छावनी में महंत जगतगुरु परमहंस आचार्य जी ने भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को धन्यवाद दिया। महंत जगतगुरु परमहंस जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कानून का राज चलता है, जो इस बात को कायम करके दिखाया भी गया और कहीं भी गलत कार्य नहीं करेगी, जिसके लिए संत समाज ने हृदय से मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का कोट कोट धन्यवाद ज्ञापित किया है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए अयोध्या से नवीन कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। गुप्तार घाट स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर तपस्वी छावनी का है। अयोध्या में संतों की सबसे पुरानी छावनी तपस्वी छावनी है। तपस्वी छावनी का स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट में है, जिसको अयोध्या के भू माफियाओं ने पैसे के बल पर और पहुंच के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, जिसका कोर्ट में अभी केस चल रहा है। जब मुझे पता चला कि भू माफियाओं के बुलाने पर डिप्टी CM माननीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा भूमि पूजन का कार्यक्रम कल वहाँ रखा गया था, जो मुझे संज्ञान में नहीं था, जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने एक बयान जारी किया और मेरा बयान जैसे ही जो है तो माननीय दिनेश शर्मा जी को पता लगा तो उन्होंने जो है भूमि पूजन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का स्वरूप है, सत्यमेव जयते का स्वरूप है, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो है सिद्धांत है कि न तो अन्याय करेंगे न अन्याय करने देंगे, जबकि अन्य पार्टियां जो है अन्य पार्टी में अगर भ्रष्टाचार करने वाला, बलात्कार करने वाला, हत्या करने वाला, लूट करने वाला और जो है तो छिनैती करने वाला, दूसरे का जो है तो संपत्ति लूटने वाला और जो अगर उनका कोई भू माफिया है तो अन्य पार्टियां अपने आदमी को पूर्ण रूप से बचाती हैं, उसका पक्षपात करती हैं और अन्य लोगों का जो है अन्य लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत यह है कि न अन्याय करेंगे न अन्याय करने देंगे, जबकि गुप्तार घाट में जो हमारा स्थान है वो भू माफियाओं ने जबरदस्ती कब्जा किया है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। अगर दिनेश शर्मा जी के द्वारा वहां भूमि पूजन होता तो भू माफियाओं को उससे बल मिलता और जो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। और ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि ना न्याय करेंगे ना अन्याय करने देंगे, यह सिद्धांत खत्म हो जाता और भारतीय जनता पार्टी फिर उसी तरह से हो जाती जिस तरह से अन्य पार्टियों में गुंडा राज चलता है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद भी दे रहा हूं और मुझे इस बात से जो है बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जैसे ही स्थिति का पता लगा तो वहां से भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थगित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई अन्याय करेगा न तो अन्याय होने देगा और इसी सिद्धांत के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में सारी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जुड़े हैं। जय श्री राम।